नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। और आज सबसे पहले सीएम योगी राम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मौके पर सीएम योगी के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। इसके बाद वो रामलला के दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए। बलिदान दिवस के मौके पर बलिया पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है, सपा पर निशाना साधा। और ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी डिरोल्ड है और अपनी नीतियों से भटक गई है, यही असली समाजवादी नहीं है। इस दौरान उनके साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सांसद दिनेश लाल यादव भी मौजूद थे। है वो अपनी नीतियों से भटकी हुई है, ये असली समाजवादी नहीं है, ये गुंडे माफिया बदमाशों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने हाशिए पर धकेल दिया है, जब जब ये सत्ता में रहे तब तक गुंडई अराजकता दंगों को बढ़ावा दिया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में राजनीति पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए दाव पेंच तैयार करने में जुट गया है। इस बार विपक्ष नए गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के साथ उतर रहा है। देखिए रिपोर्ट 2024 लोकसभा चुनाव का रण, राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। ২০২৪ लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव की जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। इस बार चुनाव में सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, क्योंकि यूपी से ही होकर दिल्ली का रास्ता तय होता है। प्रदेश में सभी पार्टियां बीजेपी को शिकस्त देने के लिए उतरने लगी हैं और तैयारी ऐसी कर रही है, इस बार वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नया दांव खेला है। हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए कमर कस चुकी हैं। चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसदों की जमानत जब्त होने जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोला, इन लोगों ने छला है, जनता से जुमलेबाजी की है और उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों को सबक सिखाने जाती है। और माननीय अजय राय जी की मेजबानी में कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानी की बात हो। अगर सबसे ज्यादा किसी ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, किसी ने सबसे ज्यादा सदन में लड़ाई लड़ी है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। यूपी में विपक्ष की बेहतरीन भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है और इंडिया अलायंस के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के मूड में आ चुकी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार संगठन में बदलाव करने में जुटी हुई हैं। वो लगातार बैठकें भी कर रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव लगातार प्रदेश भर में जनसभाएं करने में जुटे हुए हैं और लोगों के बीच जाकर उनका चुनावी मूड टटोल रहे हैं। अगर मोदी जी के झूठे भाषण का ही विश्लेषण कर लिया जाए, कोई आईआईटी नहीं बनी, कोई एम्स नहीं बना, कोई इस तरह का कोई भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जिसको दुनिया में उसका डंका बजाया जाए। अब मंदिर बनने से अगर उत्तर प्रदेश का डंका विश्व में बज रहा है, तो नरेंद्र मोदी को ये बात कहनी छोड़ देनी चाहिए कि मैं बुद्ध के देश से आया। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष बीजेपी को हराने की तैयारी में जुटा है और लगातार गठबंधन कर रहा है, जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, आज वो एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं और चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी नेता इसको लेकर लगातार तंज कस रहे हैं। सपा और बसपा को जनता नकार चुकी है, बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद है।
और आप देखे होंगे जनता का आशीर्वाद जिसके साथ रहता है वो चुनाव जीतता है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो भी कौन जीतता है? जनता जीतती है, जनता का आशीर्वाद जीतता है, जनता का विश्वास जीतता है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लेंगे, बहुतायत कार्यक्रम बहुतायत लोगों से संपर्क करके भी देखे हैं, जनता का आशीर्वाद 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसी नाते समाजवादी पार्टी की 17 हार हो चुकी है और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो वर्तमान में जनता उसको नहीं स्वीकार रही है। अपहरणवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऐसे वाद को समाप्त करके उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद और विकासवाद को अपना ली है। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। कब कोई चुनावी अखाड़े में हाथ मिला ले और कब छोड़ दे, इसका फैसला चुनावी समय में तय किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और वहीं अयोध्या में मणि पर्वत झूला मेला को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। और आज से युगल सरकार श्री सीताराम के विग्रह को और स्वरूपों को मणि पर्वत ले जाकर झूला झुलाया गया। अयोध्या के हजारों मठ मंदिरों में आज से झूला उत्सव शुरू हो गया है और लोग इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। आज मणि पर्वत मेला के लिए आसपास के और अन्य कई जनपदों से, कई अन्य प्रदेशों से भारी मात्रा में श्रद्धालुगण जनपद अयोध्या आए हैं, जो कि सरयू घाट, नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, राम जन्मभूमि व अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं। वो मणि पर्वत मेला स्थल पर भी जा रहे हैं। इसके लिए पूरे क्षेत्र को, जो मेला क्षेत्र है उसके अलावा अन्य जो हमारा अयोध्या थाना क्षेत्र है, इसको हमने 7-6 सेक्टर और 22 जोन में बाईस छः जोन और 22 सेक्टर में बांटा है।